चबाने में केसर हल्का सा कड़वा लगना चाहिए। और दूसरी पहचान, अगर हम इसको किसी भी लिक्विड चीज में डालेंगे, सपोज मिल्क वाटर में या मिल्क में, ये कुछ देर तक फ्लोट करना चाहिए, तैरना चाहिए। अगर डालने से केसर नीचे डूब गया तो डुप्लीकेट है। और सबसे बेस्ट पहचान, एक पत्ती को गीला कर रहे हैं, चाहे आपको पानी नहीं अवेलेबल तो जुबान यूज करो, जुबान पे भी गीला हो जाएगा। उसके बाद उसको निकाल के व्हाइट पेपर पे रब करो, घसीट लो। घसीटने के बाद भी पत्ती का कलर हटेगा नहीं, वो रेड है तो रेड ही रहेगा, लेकिन कलर आएगा पीला। ये कैसे हो सकता है? यही तो भगवान की ताकत है। चीज दिखने में रेड है, कलर पीला कैसे आएगा? अगर हम डुप्लीकेट बनाएंगे, हम किस चीज को डुप्लीकेट बनाएंगे? हम तो घास को लाल कलर चढ़ाएंगे। घास कौन सा कलर का होता है? महाराष्ट्र में तो ग्रीन देखा है मैंने, ग्रीन ही होता है ना, इधर भी ग्रीन होता है, लेकिन उसके ऊपर कौन सा कलर चढ़ाना जरूरी है? रेड, तभी तो केसर दिखेगा। ग्रीन ले लो भैया, ये ग्रीन है केसर, मानेंगे आप? नहीं, इसके अंदर रेड होना चाहिए, तभी तो आप धोखा में आ जाएंगे। तो हमें ग्रीन के ऊपर रेड चढ़ाना बहुत जरूरी है, लेकिन वापस कौन सा कलर आएगा? रेड ही आएगा, लेकिन इसने कौन सा कलर दिया? येलो। ये अल्लाह की कुदरत है, दिखने में लाल है, कलर पीला है। आप कटरा जाओ एक बार, कटरा से होकर आए, अगर 10 से लेके 50 रुपए तक केसर।